Please subscribe my channel and press the bell icon for latest computer videos. Hello friends, आपका host और दोस्त अनिल कुमार गौर. आज मैं फिर से अपने चैनल पे वापस आ गया हूँ. 12th के सिलेबस में क्या चेंजेस हुए हैं वो डिस्कस करने. लास्ट वीडियो मैंने 10th का सिलेबस दिया था, डिस्कस किया था. अगर उसको देखना चाहते हो तो आप आई बटन पे जाके क्लिक कर सकते हैं, वहाँ पे देख सकते हैं 10th का सिलेबस. बात करते हैं 12th के सिलेबस में क्या क्या चेंजेस आए हैं. सबसे पहले बात करते हैं हम 12th में कितनी स्ट्रीम्स होती हैं. साइंस स्ट्रीम होती है, कॉमर्स एंड द आर्ट. ठीक है, साइंस में बेसिकली दो स्ट्रीम होती है, बायो वाली और एक होती है मैथमेटिक्स. अब बात करते हैं पहले हिंदी, इंग्लिश, मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री. ये स्ट्रीम होती है साइंस में. मैथ स्ट्रीम की बात करें, फिजिक्स और बात करते हैं बायो में, हिंदी इंग्लिश कॉमन रहते हैं. मैथ की और फिजिक्स को छटा, मैथ को किसी जगह पे यहाँ पे यूज़ होता है हमारा बायो एंड केमिस्ट्री, फिजिक्स हट जाता है, बायो केमिस्ट्री यूज़ होता है. ठीक है, तो ये चेंजेस हो सकते हैं हमारे उसके साथ. अब हम बात करते हैं कॉमर्स स्ट्रीम में क्या क्या सब्जेक्ट होते हैं. हिंदी इंग्लिश कंपलसरी होता है, बुक कीपिंग, अकाउंटिंग एक होता है, मनी एंड द बैंकिंग एंड द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन. ठीक है ना, ये तीन सब्जेक्ट होते हैं और तीन हमारे जो कॉमन होते हैं. आर्ट स्ट्रीम के बाद आर्ट स्ट्रीम में होती है साहित्यिक हिंदी, बाकी में जर्नल हिंदी होती है, सामान्य हिंदी, यहाँ पे साहित्यिक हिंदी, इंग्लिश, होम साइंस, एजुकेशन, सोशियोलॉजी और भी सब्जेक्ट अलग अलग जगह पर, कहीं पे सिविक्स होता है, कहीं पे कुछ होता है, तो सारे सब्जेक्ट हो सकते हैं, वो आप देख सकते हैं स्ट्रीम वाइज. मैंने लिमिटेड सिलेबस के बारे में डिस्कस किया जो हर जगह चलता है. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. बात करते हैं साइंस स्ट्रीम में सब्जेक्ट की. बात करें पहले हिंदी और इंग्लिश की बात करें जो कॉमन सब्जेक्ट है. बात करते हैं हिंदी में. हिंदी में आप देख सकते हैं एक बड़ा सा, हमने इसको स्क्रीनशॉट लेके पेश करा है दिखाने के लिए. कोविड-19 महामारी के कारण शैक्षिक सत्र 2020-21 में समय से विद्यालय पठन का कार्य ना हो पाने की स्थिति में सम्यक विचारोपरांत विषय विशेषज्ञों की समिति द्वारा निम्न 30% पाठ्यक्रम कम किया जाने की अनुशंसा की गई है. देख सकते हैं इसमें से जितना भी 30% कम है मैंने वही डिस्कस किया. बाकी लिमिटेड सिलेबस आपकी बुक्स में है, वो आप देख करके हटा सकते हैं, वो 70% आएगा. बाकी ये 30% सिलेबस आपका हटा गया. आप क्या 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 हटा गया गद्य में देखते हैं. कन्हैया लाल मिश्र की, प्रभाकर रॉबर्ट नर्सिंग होम, हरिशंकर प्रसाद की निंदा रस हट गया है, काव्य हेतु मैथिली सर गुप्त की गीत हट गया है, जयशंकर प्रसाद का गीत हट गया है, सुमित्रा पंत का परिवर्तन हट गया, रामदास दिनकर की पूर्वा उर्वशी जैसी कविताएं हटा दी गई हैं. और कथा साहित्य में हटाया गया शिवानी लाठी हटा दिया, और संस्कृत में हटा दिया गया जातक कथा हटा दिया. ये हिंदी में सिलेबस हटाया गया है, आप स्क्रीनशॉट लेके टिक कर सकते हैं. बात करते हैं अब बात करें इंग्लिश में. इंग्लिश में क्या चेंज किया गया. इंग्लिश में प्रोज में द सीक्रेट ऑफ हेल्थ सक्सेस एंड पावर, जेन थैलन का चैप्टर हटा दिया गया, आई एम जॉन हर्ट हटा दिया, ये दो चैप्टर को हटा दिया गया, बेसिकली दो चैप्टर हटा गया. अब इंग्लिश पोएट्री की बात करें, फ्रॉम एन एलगी रिटर्न इन द कंट्री चर्च यार्ड, ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी हटा दिया. ला वेला डैम सेंस मर्सी, ये भी हटा दिया. विलियम शेक्सपियर की स्टॉपिंग बाय वर्ड एंड द स्नो इवनिंग, ये भी हटा दिया गया. अब शॉर्ट स्टेडियम क्या हटा गया, द स्पेशल एक्सपीरियंस हटा दिया गया चैप्टर जो था. और फोर्थ जो है द मर्चेंट ऑफ वेनिस, पूरा प्ले हटा दिया गया. पूरा प्ले देख सकते हैं, पूरा प्ले हटा दिया गया. इतना सिलेबस मैंने 12th में हटा दिया यूपी बोर्ड के द्वारा. ये तो हिंदी इंग्लिश के सब्जेक्ट थे. अब नेक्स्ट सब्जेक्ट की बात करते हैं फिजिक्स, ये साइंस स्ट्रीम के लिए है. क्या कह रहा है, यहाँ मैं हिंदी माध्यम का, हिंदी मीडियम का टॉपिक लेके आऊँ, क्योंकि हिंदी में सिलेबस पब्लिश हुआ, इंग्लिश में आते ही जैसे आएगा वैसे पब्लिश कर दूँगा. आगे जैसे हिंदी में यूनिट 1 से स्थिर विद्युत की हटा दिया गया है, यूनिट 2 में धारा विद्युत हटा चुका है, कार्बन के बारे में हटा दिया गया, विद्युत धारा चुंबकीय प्रभाव और चुंबकत्व हटा दिया, ये हमारा फिजिक्स में 12th के सिलेबस में हटा दिया गया. और इकाई यूनिट 4 में हटा दिया गया, वैद्युत चुंबकीय प्रेरण हटा दिया गया. और उसके सेकंड पार्ट में आता है खंडखा में क्या क्या हटा, इकाई में जो दूसरा पार्ट है प्रकाशी लाइट हटा दिया गया पूरा. जब मैं किरणें के जो चैप्टर में देख सकते हैं सब नहीं हटाया गया, उसमें जो जो इंपॉर्टेंट चीज़ें वो हटाई गई, मैं दिखा रहा हूँ इस वीडियो में देख सकते हैं. रेडियो के तत्व हटा दिया गया, इलेक्ट्रॉनिक युक्तियाँ, ये फिजिक्स के सिलेबस में हटा दिया गया. इतना सिलेबस फिजिक्स में 30% हटा दिया गया है. बात करते हैं नेक्स्ट सिलेबस की, बात करें रसायन विज्ञान केमिस्ट्री. केमिस्ट्री में क्या हटा गया, ठोस सॉलिड हटा गया, विलयन, वैद्युत रसायन में जो जो चीज़ें हटाई गई वो यहाँ पे लिखी, रासायनिक बल गति की हटा दी गया, पृष्ठ रसायन हटा दिया गया, तत्वों के निर्कर्षण का सिद्धांत हटा दिया गया, पी ब्लॉक के तत्व, पी ब्लॉक के एलिमेंट्स हटा दिए, नाइट्रोजन ऑक्साइड हटा दिया गया, क्रोमियम, लेथनाइड, एक्टिनॉइड, ये सारी चीज़ें हटा दी गई हैं. ठीक है, और दैनिक जीवन के रसायन का ये सारी चीज़ें पूरा चैप्टर हटा दी गई. चैप्टर में लिमिटेड टॉपिक हटाए गए, बाकी जो 12th के बच्चे हैं वो देख सकते हैं इसमें क्या क्या हटाया गया, आप उसमें टिक करके हटा भी सकते हैं. बाकी हिंदी मीडियम स्टूडेंट तो आसान समझे, इंग्लिश मीडियम को ट्रांसलेशन का यूज़ करना पड़ेगा. अगर सिलेबस इंग्लिश में पब्लिश हो गया तो मैं इंग्लिश में जल्दी बना दूंगा. नेक्स्ट आते हैं बायोलॉजी. बायोलॉजी में क्या है, जीवों का जनन, प्रोडक्शन ऑफ ह्यूमन, मतलब प्रोडक्शन ऑफ जीव हटा दिया गया, अनुवांशिकी जेनेटिक्स हटा दिया गया है,
जीव विज्ञान, मानव कल्याण, खाद्य उत्पादन में वृद्धि, कार्यनीति, परितंत्र, पारितंत्र हटा दिया गया है, पर्यावरण के मुद्दे हटा दिए गए हैं, प्रयोग की सूची और पाठ्यक्रम देखिए क्या क्या प्रयोग हटा दिए गए हैं। दो व्यापक रूप हटा दिया गया, क्वाड्रेट विधि हटा दी गई। क्वाड्रेट विधि जो पढ़ते होंगे उनको पता होगा सब क्या फिजिक्स का सिलेबस है, इतना मतलब बायो का सिलेबस, इतना सब कुछ हटा दिया गया। देख सकते हैं ये कंप्लीट सिलेबस हटाया गया है, ठीक है, यूपी बोर्ड से। अब बात करते हैं, आगे आते हैं, नेक्स्ट आता है हमारा बही खाता है लेखक है, बुक कीपिंग, अकाउंटिंग। ये कॉमर्स स्ट्रीम के लिए, जितने कॉमर्स स्ट्रीम के स्टूडेंट है वो ये इसको ध्यान से देखिए क्या क्या हटा गया। पहला मृत्यु द विघटन, हमारा डेथ पार्टनरशिप का पार्ट है, डेथ हटा दिया गया है, डेथ के जो रिलेटेड क्वेश्चन थे। अविघटन मतलब कि आई डोंट नो उसका क्या इंग्लिश मीनिंग है, तो हटा दिया गया। पूर्वाधिकार प्रेफरेंस शेयर्स हटा दिए, मिनिमम इन्वेस्टमेंट हटा दिया, कॉस्ट अकाउंटिंग हटा दी, डिटेल हटा दी, अनुपात विश्लेषण रेशियो एनालिसिस हटा दिया गया। इतने चैप्टर इकाई में अलग अलग यूनिट से हटा दिए गए, ये हमारा बुक कीपिंग अकाउंटिंग का सिलेबस इतना हटाया गया। नेक्स्ट बढ़ते हैं, आगे आते हैं व्यापारी संगठन एंड पत्र व्यवहार, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एंड द करेस्पॉन्डेंस। इसमें क्या हटा गया, पहला हमें यूनिट टू से हटा गया बीजा, किसे कहते हैं इनवॉइस, व्यापारिक कार्यालय मेथड ऑफ बिजनेस ऑफिस की जो हमारे ट्रेडिंग ऑफिस है उसमें कार्यविधि क्या मेथड है वो हटाया गया। समाचार पत्र में प्रकाशनाथ का रिपोर्ट मतलब रिपोर्ट जो प्रस्तुत होती है वो हटा दी गई। समस्या नियंत्रण प्रॉब्लम्स और हमारी कंट्रोलिंग की हटा दी गई, चैप्टर्स हटा दिए गए बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन से। एंड अदर सब्जेक्ट मुद्रा में क्वेश्चन था मनी एंड द बैंकिंग, ये कॉमर्स वालों के लिए समझते रहिएगा ध्यान से, साइंस के लिए बिल्कुल नहीं, कॉमर्स स्ट्रीम के लिए। अधिक क्वेश्चन था तुम्हें क्या हटा गया, बैंकिंग व्यवसाय का संगठन, बैंकिंग हटा दिया गया, बैंकिंग बिजनेस हटा दिया, ऋण हेतु जमानते क्रेडिट्स के लिए जो जो हमारी क्वालिटी जो जो जमानते लगती सिक्योरिटीज लगती हटा दिए, बैंक आते बैंक की बैलेंस शीट हटा दी गई है जो पढ़ते थे। अधिक क्वेश्चन तत्व में क्या हटा दिया है, भारतीय सैनिक दिस्कंद स्टॉक हटा दिया गया, विदेशी विनिमय फॉरेन एक्सचेंज हटा दिया गया, भारतीय बैंकिंग विकास की रूपरेखा, इंडियन बैंकिंग सिस्टम की जो चेंजेस हैं डेवलपमेंट की वो सारी चीज़ें हटा देंगी। इतना चैप्टर हमारा मनी द बैंकिंग हटा दिया, कॉमर्स के हमने बता दिया, बिजनेस का ऑर्गेनाइजेशन अकाउंटिंग एंड मनी द बैंकिंग चैप्टर हटा दिए गए। अब बात करते हैं आर्ट स्ट्रीम के बच्चों की बात करते हैं, तो हम बात करते हैं पहला होम साइंस, होम साइंस में क्या हटा दिया, खंड खा शरीर की क्रिया विज्ञान, स्वास्थ्य संरचना, स्वास्थ्य रक्षा और विज्ञान हटा दिया गया। इकाई टू में पोषण और पोषण के दुग्ध का स्थान हटा दिया गया, जनतंत्र की प्रारंभिक क्रिया हटा दिया गया, ये सारे चैप्टर। इकाई टू में गंदी बस्ती उनसे खतरे हटा दिए गए, इकाई फोर में स्वास्थ्य नियमों का समाज की शिक्षा आधुनिक आंदोलन हटा दिया गया, खंड खा में समाज सा बल कर गया, विवाह और समायोजन संवेगात्मक सामाजिक लैंगिक आर्थिक चीजें हटा दी गई हैं। इकाई सैन में सामाजिक विषमताओं तथा विच्छेदनों का निराकरण हटा दिया गया, परिवार कल्याण परिवार नियोजन चीजें हटा दी गई हैं। आप देख सकते हैं में क्या हटाया गया है। अब बात करते हैं सोशियोलॉजी, जो सोशियोलॉजी स्टूडेंट है मतलब आर्ट साइड वाले सोशियोलॉजी पढ़ते हैं, बाजार का एक सामाजिक संस्था है ये हटा दिया गया, बाजार अर्थव्यवस्था सामाजिक दृष्टिकोण हटा गया, भूमंडीकरण हटा दिया गया, संरचनात्मक परिवर्तन उपनिवेशवाद औद्योगिकरण इंडस्ट्रियलाइजेशन ये सारी चीज़ें हटा दी गई हैं, ठीक है। भूमंडलीकरण, जनसंपर्क माध्यम संचार, जनसंपर्क माध्यम के प्रकार, दूरदर्शन रेडियो समाचार ये सारी चीज़ें हटा दी गई हैं सोशियोलॉजी में। अब बात करते हैं शिक्षा मतलब एजुकेशन में क्या दो ही ज़्यादा हटाया नहीं गया, ज़्यादा नहीं, शैक्षिक विचारधारा एनिवेशन रविनाथ टैगोर की जो मेथड होती है, विचारधारा होती है, जो थॉट्स होते हैं वो हटाया गया, जनसंख्या पॉपुलेशन हटाया गया, ठीक है। खंड का मनोविज्ञान में प्रत्यावर्तन के सिद्धांत, साक्षी व्यवसाय निर्देशन इनके अर्थ हटा दिए गए हैं। द लास्ट पास हमारे पास बताता नागरिक शास्त्र, समकालीन विश्व के अमेरिका वर्चस्व हटा दिया गया, समकालीन विश्व के सुरक्षा हटा दी गई, वैश्वीकरण दल के प्रमुख प्रभुत्व का दौर हटाया, कांग्रेस का कार्यप्रणाली की चुनौतियाँ हटा दी, कांग्रेस से रिलेटेड जितने भी चीज़ें हटा दी गई हैं, ठीक है, ये हमारा हटा गया। अब कंप्यूटर विषय की बात करते हैं, कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर प्रोग्रामिंग हटा दिया, ऑपरेटिंग सिस्टम उसके प्रकार, लिनक्स इनके विभिन्न प्ररूप, लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम उसके हटा, प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट हटा दिया गया, कंप्यूटर की समझ में प्रॉब्लम्स कितनी फेस करनी पड़ती ये बताया गया, प्रोग्रामिंग की लैंग्वेजेस बताई गई हैं, एचटीएमएल प्रोग्रामिंग वेब डेवलपिंग के पार्ट है ये भी हटा गया, इनहेरिटेंस एक्सपेक्टेशन हैंडलिंग एंड द पॉइंटर्स ये सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का पार्ट है ये भी हटा गया, डाटाबेस कॉन्सेप्ट और नॉर्मलाइजेशन मेथड भी हटा दिया गया, ये सारी सब चीज़ें हटा दी गई हैं कंप्यूटर से। तो ठीक है, आपने देखा मैंने क्या क्या बताया, क्या क्या सब्जेक्ट में चीज़ें हटाई देंगी। अगर किसी चीज़ को किसी विषय में समस्या है, किसी को नहीं समझा कि कौन सा टॉपिक हटाया गया, कौन सा टॉपिक नहीं हटाया गया, वो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। बाकी नेक्स्ट वीडियो आएगा जल्दी, जिसमें हम नाइन्थ और फर्स्ट ईयर के सिलेबस के डिडक्शन के बारे में बात करेंगे। बाकी आज के विषय में आज की वीडियो में जो चीज़ समझ में आई हो प्लीज़ अच्छी लगी तो कमेंट करें और लाइक करें, ज़्यादा से शेयर करें ताकि और बच्चे 12th के हैं यूपी बोर्ड के उनके पास ये वीडियो पहुँच जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे ऑल ऑफ यू।